कल हमने आपको एक खबर दिखाया था, जिसमें दिखाया था एक गरीब का घर कैसे देखते ही देखते आग के हवाले हो गया। सब जलकर खाक हो गया था, न खाने को अनाज बचा था, न पहनने को कपड़ा। हमारे खबर को जब ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल के निदेशक समीर दुबे ने देखा तो वो खुद को उस गरीब चंद्रशेखर सिंह की मदद करने से नहीं रोक पाए। चंद्रशेखर पेशे से मजदूरी करता है। समीर दुबे सुबह तड़के उनके घर पहुंचे और उन्हें गर्म कपड़े, अनाज और कुछ राशि उन्हें मदद के रूप में दिया। समीर दुबे का कहना है, इस दृश्य को देखकर उनका मन विचलित हो गया। किसी तरह से रात भर खुद को रोके रखा और सुबह होते ही उनके घर पहुंचा। उन्होंने कहा कि उनके मदद के लिए हमने बस अपना छोटा सा प्रयास किया है। ऐसे ही लोगों से हमारा समाज आगे बढ़ता है। यूं ही एक दूसरे की मदद करने से अच्छे समाज का निर्माण होता है। ऐसे समाज सेवी और ऐसे लोगों को एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से साल के आखिरी दिन सलाम। जाके कुछ न कुछ मदद करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम आए यहाँ पर और जब देखे तो मन बड़ा विचलित हो गया। यहाँ तक कि बर्तन भी पिघल के जो है एकदम पिघल गया है। मतलब जब आने के बाद पता चलता है कि कुछ नहीं रहा इसके पास। और जब पैसा रुपया को देखे, 500 रुपया वाला गड्डी था, शायद कोई स्वयंसेवी संस्थान से 20,000 बोल रही है कि लिए थे, एकदम टोटल गड्डी सही में जल गया है। टोटल गड्डी जल गया है, चावल देखते हैं जला हुआ, धान जला हुआ, मतलब कुछ भी नहीं रहा, कपड़ा जला हुआ। जो आने के बाद एक बच्चा जो रूम में सोया हुआ था वो गाँव वाले की मदद से वो निकाल लिया गया, नहीं तो वो भी बहुत दुखदायी स्थिति में है ये घर वाला। और निश्चित रूप से हम तो यही संदेश देंगे कि यदि और किन्हीं को हो कुछ मदद करने का तो आके स्पॉट पर देखकर निश्चित रूप से ऐसे परिवारों का मदद करना चाहिए। हमने जो हुआ अनाज के रूप में, अनाज जो हुआ वो दिए, नया वस्त्र दिए, कंबल दिए, कुछ पुराना वस्त्र भी था वो भी दिए। तो एक हुआ कि कुछ अभी ठंडे के दिन में जो है राहत पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ राहत मिल गया, और ऐसे और लोग आएंगे तो निश्चित रूप से इस गरीब परिवार का उद्धार हो जाए।